नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के संभल से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। 11वीं के एक छात्रा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और मौत से पहले उसने देश के प्रधानमंत्री के नाम 19 पन्नों का एक खत भी लिखा है। इस खत में आचर्य गोस्वामी नाम की उस छात्रा ने पीएम मोदी से तमाम गुजारिश की है। संभल जिले के बबरला क्षेत्र की रहने वाली आंचल गोस्वामी ने पिछले साल 10वीं क्लास यूपी बोर्ड से पास की थी, जिसमें उसने 90% अंक हासिल किए थे और इस साल 11वीं की क्लास की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों का कहना है कि आंचल के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने समाज में फैल रही गंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और इसी के चलते उसने सुसाइड का मन बना लिया। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ही यानी कि 14 अगस्त को सुसाइड करने वाली आचर गोस्वामी ने सुसाइड करने से पहले कॉपी पर एक सुसाइड नोट तैयार किया था और छात्रा की किताब से परिजनों को एक 19 पेज का सुसाइड मिला है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करके लिखा गया था। आचर गोस्वामी ने इस लेटर में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा था, देश में कई पीएम हुए पर माननीय नरेंद्र मोदी जी आप जैसा कोई नहीं। मेरे हृदय से आपके लिए अत्यधिक सम्मान है। काश मैं अपनी उम्र आपको दे पाती। आप में संस्कार कूट कूट कर निवास करते हैं। ये देश बरसों से अंधेरे में था और आप पहले सूर्य बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पर्सनल मीटिंग करना चाहती थी, परंतु ये असंभव है क्योंकि आप खुद को ही समय नहीं दे पाते और निरंतर देश की सेवा में लगे रहते हो। बरसों से अधूरे पड़े कार्यों को आपने पूर्ण किया। परिस्थितियां बड़ी अनमोल होती हैं क्योंकि कभी हमें पार लगा देती हैं तो कभी डुबो देती हैं। निरंकार अर्थात शिव के मिस कॉल रूप में प्रार्थना करती हूँ कि भारत को मजबूत बनाए, अमर बनाए। भारत औषधि का देश है पर अब प्रदूषित हवा हर जगह फैल रही है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे? तो 19 पन्नों के सुसाइड नोट में आंचल ने पीएम नरेंद्र मोदी को कई सुझाव लिखे थे और जिसमें प्रदूषण पर सुझाव दिया। छात्रा आंचल लिखती है, पीएम मोदी जी आप दीपावली पर पटाखों पर रोक लगा दो, सिर्फ फुलझड़ी की अनुमति दो, साथ ही मस्जिदों व मंदिरों से स्पीकर उतरवा दो। इससे काफी हद तक प्रदूषण पर रोकथाम लगाई जा सकती है। पीएम साहब, सस्ती कीमत की दवाई महंगी दी जा रही है, डॉक्टर गरीबों को लूट रहे हैं, कृपया ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। तो समाज के लिए इतनी चिंतित रहने वाली छात्रा आचर गोस्वामी अब इस दुनिया में नहीं है। वो पीएम मोदी से खुद मिलना चाहती थी और जिससे उन्हें इन तमाम समस्याओं के बारे में बता सके, लेकिन अधूरी इच्छा के साथ उसने खुद को खत्म कर लिया। और अपने इस सुसाइड लेटर में आचर ने समाज के लिए भी कई संदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 11वीं की क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के पास अवैध हथियार कहाँ से आया? सुसाइड नोट तक पीएम मोदी के नाम है जिसमें परिवार का कहीं जिक्र नहीं है और इन तमाम सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है।